दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके हालात गंभीर बताई जा रही है। हालांकि दाऊद को लेकर किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि दाऊद को किसी अनजान शख्स ने जहर दिया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। उसके पास सिर्फ अस्पताल के बड़े अधिकारियों और परिवार के लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद गैंग के एक पूर्व सदस्य ने कहा कि दाऊद की गंभीर बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी दावा किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस भी दाऊद के करीबी रिश्तेदारों से इस संबंध में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। वहीं पाकिस्तान के पत्रकार भी सोशल मीडिया पर हो रही इस चर्चा के बारे में बात कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहे, यूट्यूब गूगल का सर्वर डाउन बताया जा रहा है। जियो टीवी न्यूज ने भी सोशल मीडिया पर चल रही इन चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है। ऐसे कथित तौर पर गंभीर स्थिति के बाद पाकिस्तान के कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है। दाऊद का जन्म दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उनके पिता इब्राहिम कास्कर पुलिस कांस्टेबल थे। बाद में दाऊद इब्राहिम का परिवार मुंबई के डोंगरी इलाके में बस गया था। 70 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में तेजी से उभरने लगा। पहले तो हाजी मस्तान गैंग में काम किया करता था। वहीं रहते रहते उसका प्रभाव बढ़ने लगा। उसके गैंग को लोग डी कंपनी कहने लगे। वो उसका मुखिया भी माना जाता है। इतना ही नहीं, 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है। धमाकों को अंजाम देने के बाद वो भारत छोड़कर मुंबई भाग गया। इसके बाद उसने पाकिस्तान में अपना ठिकाना बनाया। खबरों के मुताबिक अब वो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान के कराची में रहता है। उसके खिलाफ भारत में आतंकी हमला, मर्डर, अपहरण, सुपारी हत्या, संगठित अपराध, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी जैसे कई मामले दर्ज हैं। साल 2003 में उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। साल 2011 में FBI और फोर्ब्स की एक लिस्ट में उसे दुनिया का तीसरा मोस्ट वांटेड भगोड़ा अपराधी भी बताया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।